मैगी खाना तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मसाला मैगी की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप एक बार खाएं तो बार बार खाने मन करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की ये सुपर टेस्टी मैगी की रेसिपी। मसाला मैगी बनाने के लिए पैन को गर्म करके इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही डाल देंगे 2 से 3 कटी हुई लहसुन, साथ ही डाल देंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और इन सारी चीज़ों को 10 सेकंड के लिए पका लेंगे। लहसुन और हरी मिर्च के पक जाते ही इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। तो मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को काट ली हूँ इस तरह से और इसको इसमें डाल देंगे। प्याज को डाल के इस तरह से मिला के इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। तो मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट के ले ली हूँ, इसको भी इसमें डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। साथ ही यहाँ पे डाल देंगे हरा मटर। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप हरा मटर को इसमें डाल दी हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें नहीं तो नहीं डालें। फिर इसको मिला देंगे अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक ताकि ये टमाटर मटर थोड़ा सा जल्दी से पक जाए और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि मटर और टमाटर थोड़ा सा पक जाए। 4 से 5 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और इसको मिलाएंगे। तो ये देखिए टमाटर और मटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे 4 पैकेट नूडल बना रही हूँ इसलिए 4 कप पानी डाल रही हूँ, आप जितना पैकेट बनाए उतना कप पानी डालें। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद इसमें पानी में उबाल आने के लिए वेट करेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ चुकी है, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे मैगी मसाला। तो 4 पैकेट नूडल का 4 पैकेट मसाला को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जितना आप पैकेट नूडल बना रहे हैं उसका सारा पैकेट मसाला डाल दें, क्योंकि मैगी का जो टेस्ट है वो उसका मसाला से ही ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब कि मैगी का जान है मैगी का मसाला। ये मैं 4 पैकेट मसाला को डाल दी। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक। नमक हिसाब से डालें क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक रहता है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे मैगी। तो मैं यहाँ पे 4 पैकेट मैगी को इसमें डाल दूंगी। एक्चुअली मेरा पैकेट जो है मैगी का वो टूट गया था। इसमें सारा मैगी को डाल देंगे इस तरह से और इसको इस तरह से मिला देंगे, मतलब कि डिप कर देंगे। थोड़ा देर बाद ये अपने आप कुक होके बिखर जाएगा। 1 मिनट बाद देखेंगे कि मैगी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको इस तरह से मिला देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2-3 मिनट बाद देखेंगे कि हमारा मैगी जो है वो पक चुकी है, काफ़ी ड्राई हो चुकी है और इसको अच्छे से थोड़ा मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटो केचप। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच टमाटो केचप डाल रही हूँ। टमाटो केचप डालने से जो हमने मसाला डाला है वो थोड़ा माइल्ड हो जाता है और अच्छा टेस्ट आने लगता है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी सुपर इजी मैगी बनके तैयार हो गया है। अब इसको सर्व कर लेंगे। और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें स्वाद। थैंक यू।